हम बीमार क्यों होते हैं? भाग दो। अभी तक हम संक्रमण रोगों और उन रोगों को फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों के वर्गों के बारे में जान चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इन वर्गों को जानने से हमें उपचार में आसानी कैसे होती है। तो इन वर्गों के सदस्यों में जो उनके जैव गुण होते हैं, उनमें समानता होती है। मतलब यदि एक बैक्टीरिया है तो उसका दूसरे बैक्टीरिया से उसके गुणों में समानता होगी, पर वो विभिन्न वर्गों में असमानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया के गुणों में अंतर होता है, तो हम इन अंतरों को देखने वाले हैं। तो पहला अंतर है, वायरस परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं और बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। मतलब एक परपोषी की कोशिकाओं में नहीं रहते हैं। वायरस बैक्टीरिया और फंजाई में गुणन क्षमता अधिक होती है और कृमियों में कम होती है। बैक्टीरिया पास पास होते हैं और वायरस कम पास पास होते हैं। इन गुणों के आधार पर हमें उपचार में आसानी हो जाती है। तो अब हम एंटीबायोटिक प्रतिजैविकों को पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया कोशिका भित्ति बना लेते हैं जिससे औषधियां उन पर प्रभाव नहीं डाल पाती। तो जो एंटीबायोटिक होते हैं वो इन कोशिका भित्ति को बनने से रोक देते हैं और हमारी औषधि प्रभाव रूप से कार्य कर पाती है। तो अब हम संक्रमण रोगों के फैलने के साधनों को पढ़ेंगे। ये साधन हवा, पानी, रोगवाहक या संपर्क हो सकते हैं। तो यदि किसी को सर्दी जुकाम है तो उसके रोग हवा में फैल सकते हैं। और रोगवाहक जैसे मच्छर, यह संक्रमण रोग रोगियों से स्वस्थ व्यक्ति तक ला सकता है। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संपर्क द्वारा भी हो सकते हैं। तो अब हम अंग विशिष्ट और ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्तियों को पढ़ रहे हैं। तो हमेशा होता ऐसा है कि सूक्ष्म जीवी आखिर में जहां से आते हैं तो वहीं रुक जाते हैं या फिर किसी अंग विशेष पर आके रुकते हैं। तो हम इसको अब पढ़ने वाले हैं। तो सूक्ष्म जीवी यदि हवा से आते हैं तो वो फेफड़ों में जा सकते हैं और क्षय रोग फैला सकते हैं, जो बैक्टीरिया का काम है। यदि वो मुंह से आते हैं तो आहार नाल में रोग फैला सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड, जो बैक्टीरिया का काम है। और वह यकृत में भी जा सकते हैं और पीलिया फैला सकते हैं, जो कि हेपेटाइटिस बैक्टीरिया का काम है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। एचआईवी का वायरस जो लैंगिक अंगों से आता है या रक्त के माध्यम से आता है, पर यह लसीका ग्रंथि में फैलता है। और मलेरिया जो कि मच्छर के काटने से होता है, वह कहीं भी काट सकता है। पर मलेरिया के वायरस यकृत में जाते हैं और लाल रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। तो सूक्ष्म जीवी जिस अंग या ऊतक पर आक्रमण करते हैं उस पर रोग के लक्षण दिखने लगते हैं। तो लक्षण जैसे सूक्ष्म जीवी यदि फेफड़ों में गया है ना, तो खांसी या कम सांस लेना हो सकता है। यकृत में जाएगा तो पीलिया और मस्तिष्क में जाएगा तो सिरदर्द, चक्कर या उल्टी आ सकती है। तो अब हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, प्रतिरक्षी तंत्र। यह एक ऐसा तंत्र होता है जो ऊतकों के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों को मारने के लिए नई कोशिकाओं को बना देता है, जिसे शोथ कहते हैं। मतलब ये एक साम्राज्य के किले के भांति है जो कि दूसरे शत्रुओं से उसकी रक्षा करता है। तो नोट कर रहे हैं हम कि एचआईवी के वायरस सिर्फ प्रतिरक्षी तंत्र के कार्य को नष्ट कर देते हैं, जिससे हम अनेक प्रकार के संक्रमणों से सुरक्षा नहीं कर पाते। एचआईवी का वायरस खुद अपने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालता, पर ये हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को नष्ट कर देता है और हम छोटे से छोटे रोग के लिए लड़ नहीं पाते और हम बीमार हो जाते हैं। जैसे कि हल्के सर्दी जुकाम से भी हमें निमोनिया हो सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे उपचार के नियम। उपचार के दो नियम होते हैं, एक तो प्रभाव को कम करना और दूसरा कारण को मिटाना। पहला हम आराम या पौष्टिक भोजन से कर सकते हैं और कारण को मिटाने के लिए हमें औषधियों को लेना पड़ता है। इसमें परेशानी क्या होती है कि हमारे शरीर में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं और यदि हम एक प्रकार की औषधि का उपयोग करते हैं तो वो सिर्फ एक प्रकार के सूक्ष्म जीवियों को मार सकते हैं और दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीवियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो सूक्ष्म जीवी बच गए हैं वो रासायनिक क्रिया करते रहेंगे और ऐसे पदार्थ बनाएंगे जो हमारे शरीर की कोशिकाओं से मिलकर
बहुत ही घातक पदार्थ बना लेते हैं। तो यह दिक्कत है हमारे औषधियों की। तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक या फिर एंटीवायरल औषधियों का उपयोग करते हैं। तो एंटीबायोटिक औषधि, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वो बैक्टीरिया मार्ग को या बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को बनाने से रोक देता है। एंटीवायरल औषधि ऐसी होती हैं जो वायरस से रक्षा करती हैं। इनको बनाना कठिन है क्योंकि वायरस में जैव रासायनिक जो प्रणाली होती है वो बहुत ही कम होती है, और ये जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी कोशिकाओं की मशीनरी का उपयोग करते हैं और इनकी संख्या भी कम होती है। तो इसके लिए एंटीवायरल औषधियों को प्रभावशाली होना चाहिए। तो अब हम रोगों के निवारण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। किसी रोग को मिटाने के लिए हमें तीन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। रोगी के स्वास्थ्य में हानि हो सकती है, उसे लंबा समय हो लग सकता है ठीक होने में, और यदि वह संक्रमित रोग से ग्रस्त है तो वह रोग को फैलाने का कारण बन सकता है। तो इन्हीं तीन चीजों का ध्यान रख के हम निवारण के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट, यदि वह उसके स्वास्थ्य में हानि होती है तो हमें उसको पौष्टिक भोजन देना है, उसे पर्याप्त आराम देना है, जिससे कि उसके स्वास्थ्य में जो हानि हुई है वह उससे उठ सके। यदि उसे लंबा समय लगा है ठीक होने में, तो हमें ऐसी औषधियों का उपयोग करना चाहिए या ऐसी औषधियों को ढूंढना चाहिए जिनसे कि उसे कम समय लगे। और यदि वह संक्रमित रोगी है और वह दूसरों को रोग फैला सकता है, तो हमें ऐसे उपचार करने चाहिए जिससे कि रोगाणु समाज में ना फैले। तो यदि रोगाणु वायरस जो वायु से फैलते हैं, जिन्हें बातोड़ कहते हैं, तो हम वायु से फैलने वाले इन रोगों से बचने के लिए मास्क पहन सकते हैं या रोगी से दूर रह सकते हैं। जो वायरस जल से फैलते हैं उन्हें जलोढ़ कहते हैं। मच्छर भी अपने अंडे जल में देता है और फिर मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। तो हम जल को साफ करके भी इन वायरस से बच सकते हैं। तो अब हम टीकाकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम एक चेचक की कहानी सुन लेते हैं। चेचक रोग कई वर्षों पहले होता था और चेचक के रोगियों के पास जाने से स्वस्थ व्यक्ति घबराते थे, और कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो चेचक के रोगियों की सहायता करते थे क्योंकि उन्हें चेचक का रोग पहले हो चुका था और अब उन्हें होने की संभावना नहीं थी। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो रोगाणु हमारे शरीर में आके हमें रोग फैलाते हैं उनसे हमारा प्रतिरक्षी तंत्र रक्षा करता है, पर यदि रोगाणु नया है तो वह हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा, सिर्फ उस रोगाणु के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएगा जिससे कि उसे लड़ने की क्षमता आ जाएगी। और यदि अगली बार वही रोगाणु हमारे शरीर में आता है तो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र उससे लड़ पाएगा और वह प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। यही टीकाकरण का उद्देश्य है। टीकाकरण में स्वस्थ व्यक्तियों को उस रोग के रोगाणु दिए जाते हैं कम मात्रा में, जिससे कि भाई बीमार ना हो, बस प्रतिरक्षी तंत्र को उस रोगाणु के बारे में जानकारी मिल जाए और प्रतिरक्षी तंत्र उस रोगाणु के प्रति सजग हो जाए, और आगे यदि वह रोग फैलता है तो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र उससे लड़ पाए। यही टीकाकरण है।